हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। एक्चुअली ये जो लाइटों का काम है ना भाई, ये करवाना था लास्ट व्लॉग में, आपने देखा होगा। तो भाई ये काम हो ही नहीं पा रहा है। तो ये इसका वाइपर्स का पानी चल रहा है ना, तो इसका पानी पानी कहाँ जाके गिर रहा है। इन वाइपरों में एक और जादू है, ये देखो चले। तो ये पता कैसे जल रहे हैं? ये जल रहे हैं आपका, अगर मैं बिल्कुल फास्ट रन कर रहा हूँ वाइपर्स तो चल रहे हैं, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर रहे हैं। ये बताया था कि भाई आपने जो है ऑटो में छोड़ रखे होंगे वाइपर। तो ये देखो, ये ऑटो मेरा अभी ऑन हुआ है, अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ना, तो ऑफ करने पे भी ये देखो मैं जितना मर्जी घुमा लूँ ये फास्ट में मूव हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम दिखानी है मैंने, क्योंकि भाई वाइपर्स बहुत ज़रूरी है। तो भाई उम्मीद है कि आज मैं अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि डेली मैं एक्सयूवी को लेकर के नहीं आ सकता भाई। रीज़न बीइंग क्या है कि भाई अगर मैं एक्सयूवी को डेली लेकर के आऊँगा ना, तो इसमें कुछ ना कुछ पक्का पंगा पड़ जाता है। इसलिए मैं अपनी ए स्टार पे जो है ऑफिस अपना अप डाउन करता हूँ, क्योंकि भाई ए स्टार जो है मेरा ऑफिस का साथी है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देता है। और ए स्टार गाड़ी है वैसे। हे सिरी, कॉल रोहित महिंद्रा मैकेनिक ऑन स्पीकर। कॉलिंग रोहित महिंद्रा मैकेनिक मोबाइल ऑन स्पीकर। वो फोन ही नहीं उठाएंगे। मैकेनिक मुझसे परेशान हो गए क्या? सवेरे से 4-5 फोन कर चुका हूँ, और अभी मैंने फिर से एक बार फोन करके देख लिया, क्योंकि भाई मैं हो रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए लेट, तो मुझे ऑफिस भी निकलना है। तो भाई सारे काम जो है ना बैलेंस करके चलना पड़ता है यार। एक्सयूवी को घर से बाहर निकाला है ऑफिस लाने के लिए, इसी वजह से निकाला है कि भाई इसका कोई ना कोई काम रहता है पेंडिंग। कभी भी मैंने इसको एक्सयूवी को अच्छे मूड में अपने ऑफिस लेकर के नहीं आया हूँ। हमेशा ही काम ये रहता है कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो खराब है, ये ठीक करवाना है, रिपेयर करवाना है। विंडो से अगर बाहर देखते हैं ना, तो कितना फैंटास्टिक व्यू आता है। अगर आप हैचबैक गाड़ी चलाते हो और उसके बाद एक्सयूवी में बैठते हो ना भाई, यही फील तो भाई हर एक बंदा लेना चाहता है, और वो फील लेना चाहता है बंदा भाई कम प्राइस में, लाइक 3 या 4 लाख रुपए में हमें कुछ ऐसा फील मिल जाए। बट ऐसा फील मिलने के मिल तो जाता है ऐसा फील, बट बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है ना भाई, दोस्त हैं या सब्सक्राइबर कह लो या मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप एक्सयूवी के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हो, गलती आपकी है कि भाई आपने ये गाड़ी ली है। तो भाई मानता हूँ कि मेरी गलती है, उस टाइम मैं ज़्यादा डेस्परेट था इस गाड़ी को लेने के लिए। जिस बंदे से मैंने ये गाड़ी ली थी उसका ये राइट नहीं था कि भाई वो एक बार बता दे कि भाई गाड़ी में ये कुछ एक प्रॉब्लम है या कुछ भी यार, एनी हाउ कि हाँ आपकी गाड़ी जो है कम चली। चलो ठीक है, मैं सारे इरेज करता हूँ सारा मामला, तो सिर्फ वो बंदा इतना बता सकता है कि गाड़ी कितनी चली हुई है। और इसका जो शोरूम में सर्विस रिकॉर्ड था मैंने बाद में पता किया, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था भाई गाड़ी लेने के बारे में, क्योंकि मैंने बड़ी गाड़ी पहले ज़्यादा चलाई नहीं थी, और मैंने बड़ी गाड़ी देखी और मुझे प्यार हो गया इससे, तो फिर जैसे मैंने बाय कर ली थी, जब इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई ना भाई, तब जाकर के मुझे हकीकत का पता चला कि गाड़ी में क्या चीज़ है और क्या नहीं है। जाकर मैंने शोरूम से पता कराया, तो शोरूम में पता ये चला कि भाई जो मेरी गाड़ी का मीटर है वो टेम्पर किया हुआ है, मतलब पीछे किया हुआ है। चली गाड़ी 1.5 लाख या इससे ऊपर थी, और मेरा मीटर जो है 80,000 में पहुंचा दिया गया था, 80,000 या 85,000 में था ये। इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मेरी सिर्फ इतनी सी गलती है कि भाई मैं ज़्यादा पागलपन हो गया था मेरा इसके ऊपर कि मैंने लेनी ही लेनी है। और अभी तक आप देख सकते हो मेरे लास्ट व्लॉग जाकर के मैंने कितना ज़्यादा इस पर स्पेंड कर चुका हूँ, हर एक चीज़ मैंने इसकी रिपेयर करवा दी है। मैं ये अवेयर कर रहा हूँ कि भाई जैसे मैं पागल था अपनी गाड़ी को लेने के लिए XUV 500 को, वैसे पागलपंती आप ना दिखाएं। महिंद्रा शोरूम से आप इसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करवाएं, क्योंकि भाई वहां पे आपका सर्विस रिकॉर्ड फ्री में चेक होता है, वहां पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। महिंद्रा वाले जेन्युइन रिकॉर्ड आपको अपनी गाड़ी का बताएंगे, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बता देंगे कि कितनी बार इसका एक्सीडेंट हुआ है या क्या है क्या नहीं है, जेन्युइन है नहीं है। तो भाई यार अपना पैसा लगाने के लिए ना 3-4 लाख बोलने में इतना सा लगता है, पर जिस टाइम आप देने जाते हो ना तो बहुत लगता है भाई। मेहनत का पैसा आप हर कहीं जाया नहीं कर सकते, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। तो इसलिए जब भी आप अपनी गाड़ी बाय करने के लिए जाओ, तो थोड़ा सोच समझ के गाड़ी बाय करें। मेरा ये जो मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो ये उनको रिप्लाई था, यार भाई अपनी मर्जी से जो है भाई काम नहीं करता, बस उसके अंदर एक पागलपन सवार होता है, तो जो पागलपन सवार होता है ना वो ऐसी गलतियां हमेशा करवा देता है। तो अभी मेरे जैसे मैक्सिमम बहुत से लोग होंगे यार जो एक्सयूवी जिनकी पहली पसंद होगी यार ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं, उनको ये चाहिए, लाइट चाहिए, एम्बियंस लाइट चाहिए, सनरूफ चाहिए,
हर एक चीज चाहिए उनको, कहेंगे 3-4 लाख रुपए में हमारा फायदा हो रहा है, बट वो फायदा नहीं हो रहा ब्रो, वो नुकसान हो रहा है। आजकल अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बट ये भाई जिसने एक बार एक्सयूवी चला ली ना, वो हैचबैक गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चला सकता, बिल्कुल भी नहीं चला सकता। पर भाई एक्सयूवी का अपना एक फील है। हाँ, अगर आपको एक्सयूवी चाहिए तो आपको पैसा थोड़ा सा मोटा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 8-9 लाख रुपए खर्च कर देते हो ना एक्सयूवी के ऊपर, तो आपको अच्छी एक्सयूवी मिल सकती है, वो भी अच्छी तरह से देख सुन करके। ये चाबी डीलर ने मुझे एक ही दी थी, तो इसका भी हालत मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो आप बोलोगे भाई चाबी की क्या हालत है यार, क्या बना रखा है। तो इस पे ये मैंने सिलिकॉन का कवर मैक्सिमम चढ़ा रखा है भाई, क्योंकि इसकी हालत आप देखोगे ना तो आप बोलोगे भाई क्या ही है ये सब कुछ। दिखाने जा रहा हूँ इसकी चाबी, इसका सिलिकॉन का कवर, जो कि मुझे 120 रुपये का अमेजोन से पड़ा था। अच्छा है, प्रोटेक्टिव है, और आपकी जो चाबी की बुराइयाँ है ना उसको छुपा देता है। तो ये कुछ इस तरह की इसकी चाबी थी। और भाई एक चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं इसको पलटता हूँ, ये देखो भाई ये चाबी ओला वो भी चला गया नीचे। और भाई चाबी की कंडीशन आप देख सकते हो, अभी मैंने ये पूरा बॉडी सेल जो इसका रिपेयर करवाना है, तो आपको बता दूंगा मैंने कहाँ से बॉडी सेल रिपेयर करवाऊंगा। और ये जो भाई इसका बिफोर एंड आफ्टर बताता हूँ कि चाबी मैं पूरी नई की नई कैसे बनाता हूँ। फिलहाल उसको निकाल लेता हूँ भाई कवर को, वो कहाँ नीचे गिर गया। और शाम के टाइम मिलते हैं आपसे, अभी हम ऑफिस करते हैं अटेंड, क्योंकि भाई 9:30 हो चुके। ऑफिस से निकलने के बाद ना मज़ा कुछ अलग ही आता है, और आज ना थोड़ा थोड़ा मूड ऐसा कर रहा है कि भाई बस सो जाऊं जा करके, बट फिर भी भाई स्टिल गाड़ी के लिए तो आना ही था। और नहीं भाई अड़ता है बहुत ज्यादा, जैसे उसका दूसरा डालूंगा तीसरा डालूंगा अड़ता है ये बीच दूसरा, में तीसरा क्यों डालते हैं आप? तो सीधा छठा डाल दूं नहीं चला के देख लो आप चाहे, वो कर देते हैं साहब टेंशन ना लो, काम हो कर दिया है। परफ्यूम अच्छी नहीं है खुशबू कार ने डाली भाई, ये तो जल पड़ा भाई, ये क्यों नहीं जल रही लाइटें, इनके फ्यूज उड़े होंगे क्या? अरे वाह ये तो जल रही है लाइट, इस साइड भी है क्या? इस साइड है नहीं। बंडी भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ब्लीडिंग करके देख रहे हैं भाई, ब्लीडिंग पता ब्रेक भी कैसी लग रही है इसकी नीचे जा करके, क्या प्रॉब्लम क्या है ब्रो, आखिर कब तक घूमता रहूंगा मैं ऐसे? हमारा गियर जो था ना बहुत हार्ड सा लग रहा था ये। अब सही है, ये वाली लाइट नहीं जल रही, ये वाली जल रही है ठीक है, और बीच वाली जल रही है, ये वाली लाइटें नहीं जल रही। आई थिंक इसका फ्यूज तो नहीं उड़ा होगा कहीं, नहीं फ्यूज तो इनका सबका सही नहीं होता। फिर ये क्या हो गया इनको, स्विच खराब हो जाते हैं इनके अंदर से, ये सबके एक साथ होते हैं, एक ही कनेक्शन होता है ना स्विच का दोनों का। अच्छा पीछे तक सेम है ऐसा ही, करंट सबको सेम मिलेगा, फिर क्या कहाँ से खराब होगा? आप देख सकते हो लेना पड़ेगा जो गाड़ा रूफ लाइट, ये वाली पूरी खराब है। तो अभी फिलहाल जो भाई बता के गए ना बोलते कि ये इसका पूरा का पूरा ही खराब है। बंद क्यों हुई है बताना जरा, बड़ा गियर था। अच्छा अब बंद हो गया तो बता दे, एसी लगा रखा है, एसी सब बंद कर दो। तो ये लाइट हमारी जलेगी और ये लाइटें नहीं जलेंगी ड्यू टू ये चीज पूरी। रोहित पे हाँ रोहित पे चलते हैं, रोहित तो है नहीं बोलते वहाँ पे, है नहीं ना, तो आप लाइट पता करनी है अपने। हाँ तो भाई यहाँ पे ना इनको इस लाइट का पता ही नहीं है कि इस लाइट बोलते क्या है और है या नहीं है, तो फिलहाल ये लाइट मुझे बुड़मो से ही ऑर्डर करना पड़ेगा कि बुड़मो में हमें लाइट कितने की पड़ रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे भाई इनको पता ही नहीं है ये लाइट होती भी है। सुरेश भाई इनको इनको पता ही नहीं है ये लाइट है भी होती भी है या नहीं है, क्या होता है ये, बेइंतहा काम करवा दिया, बेइंतहा काम, लकड़ पे तो लगा दिया आपने, लाख नहीं 1 लाख से ऊपर टाप गया हूँ मैं, 2 लाख पहुँचने वाला हूँ इस गाड़ी पे। 330 रुपये के हैं जो छोटे छोटे वाले हैं भाई, ये वाला नहीं मिल रहा यार ग्लोइंग वाला ना, बाकी छोटे छोटे तो सब मिल रहे हैं इस पे। रूफ लैंप 1000, अच्छा बीच वाला है, बीच वाला भी मिल गया, ये बोन पीछे डिक्की वाला 911 रुपये का है। तो भाई यहाँ पे था वो चाबियों वाला बैठा हो भाई, तो वो निकल चुके हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा भाई टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि सुरेश भाई को मैंने गाड़ी का पूरा एकदम से प्रॉपर क्या क्या प्रॉब्लम्स है गाड़ी में। तो एक तो इसका गियर था जो उन्होंने वैक्यूम था इसका वैक्यूम बनाया, और वैक्यूम निकालने के बाद जो है अभी गियर मेरे स्मूथ हो चुके हैं। तो पता नहीं ये क्या सिस्टम होता है क्या नहीं भाई, तो मैं तो ना परेशान हो गया हूँ इसको चेक करवा करके, अब और चेक करवाया नहीं जाता भाई। यही होता है अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी बाय करते हो बिना सोचे समझे। आज मैंने करवाना था लाइटिंग का काम, तो लाइटिंग का भी मुझे इशू पता चल चुका है कि भाई ये वाली लाइट जो है भाई जलेगी ही नहीं, क्योंकि ये आपको नया पीस लेना पड़ेगा। मैंने बुड़मो में भी चेक कर लिया, तो बुड़मो में ये अवेलेबल नहीं है पार्ट, तो इसकी वजह से है
ये पीछे वाले जो सारे चलती हैं ना लाइटें, ये इसी की वजह से चलती हैं। तो ये वाला तो मेरा बीच वाला चल रहा है, और ये वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये वाला तो वर्किंग है, बस ये वाला वर्क नहीं कर रहा है। इसकी वजह से दो दो चार चार लाइटें इसकी वजह से नहीं चल रही हैं। क्या होता है ना भाई, गाड़ी जब मैंने ली थी ना, तो ये ली थी मैंने अपने ट्रैवल करने के लिए, कि मैं इसमें अच्छी जगह ट्रैवल करूंगा और अपना जो है शौक पूरा करूंगा। बट ट्रैवल तो आई थिंक मेरा हो ही नहीं पाया। ट्रैवल मेरा हो पा रहा है सिर्फ अपना ऑफिस और ऑफिस से मनी माजरा और इसको रिपेयर करवाने तक का ट्रैवल मेरा रह चुका है। ट्रैवल करना था ना भाई, मैंने अच्छी अच्छी प्लेसेस में जाना था और इन्जॉयमेंट करना था, तो वो सारा भाई मेरा ना इस टाइम कचरा हो चुका है। कब मेरे पास फिर से नई गाड़ी आए और कब मैं फिर से ट्रैवल अपना शुरू कर पाऊँ। अगर आपकी पॉकेट हैवी होती है ना, तो आपका हर एक चीज़ में मन लगता है, गाड़ी को रिपेयर कराने का, मार्केट में घूमने का, ट्रैवल करने का। भाई उस मामले में क्या है ना कि लास्ट दो महीने से ना इसने मेरा बहुत ज़्यादा पैसा ये खा चुकी है। अभी क्या है, जेब टोटली खाली हो चुकी है। तो वैसे ही मेरे साथ है, अभी मेरा बिल्कुल दिमाग जो है ख़राब हो चुका है और अभी पता नहीं चल रहा मैं बोल क्या रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए यार गाड़ी के साथ। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं अभी। इतना ज़्यादा काम करवाने के बाद भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिले ना भाई, तो फिर तो क्या ही बात बोलूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी बाउंड्रीज। जय हिंद।